अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पिना फूड स्टोरी। आज मैं शेयर करूंगी आपसे चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा किस तरह से बनता है। सबसे पहले एक अदद बाउल में 250 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है ये। इसमें शामिल किया 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट, 3 टेबलस्पून डाली है इसमें दही, 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है टिक्का मसाला। सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह और इसको मैरिनेशन के लिए रखना है आधे घंटे के लिए। चिकन क्यूब्स की शक्ल में लिया है मैंने। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार करनी है। डो तैयार करने के लिए 1.5 कप मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें ऑयल। नीम गरम पानी लेके इसकी डो तैयार कर लेनी है, बिल्कुल वैसी जैसे हम लोग घर में पराठा बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। ये तैयार हो चुकी है, इसको रखा साइड पर, इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। एक अदद पैन जिसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है, इसमें शामिल किया 3 टेबलस्पून ऑयल, इसमें शामिल कर दिया अपना मैरिनेटेड चिकन। फ्लेम मीडियम है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। चिकन ने अपना पानी खुद छोड़ दिया है, अब इसको कवर करके पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट के बाद चिकन का सारा पानी खुश्क हो चुका है, 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेनी है। अब एक अदद कोयला दूसरे चूल्हे पर उसे रख दिया, 10 मिनट तक ये कोयला रेड हो जाएगा। चिकन तैयार हो चुका है, ये अच्छा सा नरम हो गया है। अब जो कोयला हमने चूल्हे पर रखा था वो रेड हो गया है। चिकन के दरमियान में रखा थोड़ा सा फॉइल पेपर, इसके ऊपर रखा कोयला, 2-3 कतरे ऑयल के डाल दिया है इसके ऊपर, इसको कवर कर दिया है। अब 10 मिनट के लिए इसको कवर करना है, तो हमारा जो स्मोकी चिकन है ये तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, अब कोयले को हटा लेना है, चिकन रेडी है। नेक्स्ट स्टेप पराठा बनाने का है। छोटे छोटे 3 से 4 पेड़े बना लेने हैं। 1.5 कप मैदा से 4 पराठे बनेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करके एक रोटी को बेल लेना है। फ्लेम मीडियम टू हाई है, दोनों साइड्स पराठे की पका लेनी है। अब इसके ऊपर लगा लिया घी, आप चाहें तो ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, जो आपके पास अवेलेबल हो। ये अच्छा सा पराठा तैयार हो चुका है, ये पराठा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको बाहर निकाल लिया। अब थोड़ी सी दही, थोड़ा सा सब्ज धनिया और 1 सब्ज मिर्च डाल के एक पेस्ट बना लिया है ये, और थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल कर दिया है, तो ये गाढ़ी सी दही तैयार हो गई है। अब फाइनल स्टेप पराठा को असेंबल करने का है। पराठे के ऊपर रखा सलाद का पत्ता, उसके ऊपर प्याज के स्लाइसेस और उसके ऊपर रखती टिक्का बोटी। जो सॉस बनाई है वो इसके ऊपर डाल दी, पराठे को रैप कर लिया। ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का टिक्का पराठा रोल तैयार है, बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। ये आपके सामने कितनी आसानी से ये बन गया है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।